चीज है। आइए ये समय है कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटा जाए। अब पास्टर साहब जो है आज का वचन देंगे और अंतिम प्रार्थना जो है पास्टर राजकुमार करेंगे और अंतिम आशीष भी पास्टर राजकुमार के द्वारा, फिर हम विदा होंगे। आइए ये मौका है पास्टर साहब। God can bring the best in your dead world.
सर्कमस्टेंस आपके विषम परिस्थितियों में सबसे सर्वोत्तम सबसे उत्तम आशीष आपके लिए ला सकता है। हिम्मत रखें, निराश ना हो, असफलता आए याद रखिए फेलियर्स आर नॉट परमानेंट, असफलता हमेशा नहीं रहती। एक दिन आप सफल होंगे, एक दिन आप पास होंगे, एक दिन आपको नौकरी मिलेगी, एक दिन आपकी उन्नति होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका खुद का घर होगा, हालेलुया, आपका जीवन साथी होगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही फिरौन की राजकुमारी नहा रही थी, उसने सुना बच्चा कोई रो रहा है टोकरी में। इतिहासकार बताते हैं कि उसका राजकुमारी का कोई बच्चा नहीं था, तो उसको बड़ा प्यार लगा, दया आई और उसने अपने सेविकाओं को बोला जाओ टोकरी आ रही है उसको मेरे पास लाओ। टोकरी खोल के देखा तो छोटा बालक मूसा रो रहा है करके, और राजकुमारी का दिल पिघल गया, प्यार से भर गया और उसने कहा तू उसे उठाओ मैं उसे पालूंगी। दूर से मूसा की बड़ी बहन देख रही थी उसका प्यारा भाई नदी में छोड़ दिया गया, नदी में देख रही थी, देखा है राजकुमारी उठा के ले जा रही है। वो जल्दी से राजकुमारी के पास आई, बोली ये तो छोटा बच्चा है, मैं उसके लिए एक सेविका लाऊं, दाई लाऊं। तो राजकुमारी ने कहा हाँ ले आओ। और बाइबल बताती है कि मूसा की बड़ी बहन ने अपनी खुद की माँ को, मूसा की माँ को बुला के राजमहल में महल में ले आया फिरौन के, और वो अपने खुद के बेटे की दूध पिलाने लगी, उसकी सेवा करने लगी। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बड़ा सुंदर वचन है, निर्गमन दूसरा अध्याय नौवां वचन पढ़िए, वहां दिया हुआ है फिरौन की बेटी ने उससे कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। फिरौन राजा क्या कह रहा है उसकी बेटी की मैं तुझे मजदूरी दूंगी, किंग्स विदेश राजा की काम की मजदूरी। सोचिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ जो भी सेवक लोग हैं, खाना पकाने वाले हैं, नौकर चाकर हैं, उनकी तनख्वाह अच्छी होती है कि नहीं, दूसरे लोगों से ज्यादा होगी। खुद की माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और तनख्वाह कौन दे रहा है, राजा ने। हालेलुया, कितना सुंदर सबूत है बाइबल जो है, अद्भुत काम करने की, आश्चर्यचकित काम करने की, अचंभे के काम करने की सामर्थ रखती है मेरे प्रियो। और दुनिया में कितनी भी करोड़ों माँ होंगी, परंतु कोई भी माँ को खुद के बच्चे को दूध पिलाने का, सेवा करने का पैसे कभी नहीं मिलते, है ना। परंतु देखिए वो विपरीत परिस्थितियों में अन्य जाति राजा राजमहल से उसको राजा का मजदूरी मिल रही है। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। और वो मूसा राजमहल में उसकी परवरिश हुई, उसे ट्रेनिंग मिली, उसे अच्छी शिक्षा मिली। नौकर चाकर जब वो बड़ा हो गया, एक दिन उसने देखा एक मिस्री एक इजरायली को तंग कर रहा है, उससे ज्यादा काम कर रहा है, मार रहा है। उसने गुस्से में आके उस मिस्री को मार दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने देखा कि दो इजरायली लोग लड़ रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वो क्या उनसे बोला क्यों लड़ रहे हो भाई, तुम लोग भाई भाई हो, दोनों इजरायली हो, क्यों लड़ रहे हो। तो उसमें से एक इजरायली बोला अरे तूने कल उसको मिस्री को मार दिया, क्या तू आज फिर से हमको कोई मारेगा। मूसा डर गया, अरे वाह, सब पता चल गया कि मैंने मार दिया मिस्री को। जब राजा को पता चलेगा कि ये मूसा जो राजमहल में राजकुमार के रूप में उसकी
सूझबूझ मैंने की है, उसने मेरे लोगों को मार दिया, मिस्री आदमी को मार दिया, तो वो बड़ा गुस्सा हो जाएगा, वो डर के मारे भागा भागा और वो एक अलग जगह में चला गया मेरे प्रियो बयाबान में, और वहां पर क्या करने लगा, भेड़ बकरी को चराने लगा। सोचिए एक राजमहल में जिसकी परिवर्श हुई बचपन से लेके जवानी तक, और वो अब क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा। परंतु प्रेस नॉट 40 साल तक वो राजमहल में रहा, और उसके बाद 40 साल तक वो बयाबान में विल्डनेस में रहा और वहां भेड़ बकरियों को चराने लगा मेरे प्रियो। परंतु उसका दिल जो था बड़ा दुखी रहा हूं कि कहां मैंने राजा के महल को छोड़ दिया, मेरे नौकर चाकर थे, इतना अच्छा खाना मिलता था, अभी देखो तो धूल भरी आंधियां, गर्मी में वो बरसात में ठंड में मुझे ये भेड़ बकरियों को चराना पड़ता है। वो काफी टूट गया, डर से भर गया होगा, पर बाइबल बताती है परमेश्वर टूटे दिल को चंगा करता, टूटे दिल को चंगा करता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 147:3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर टूटे दिल को चंगा करता है। और जब एक दिन बड़ा दुख से निराशा से हिम्मत हार गया है, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, हो सकता है आज आप बैठ के इस बात से निराश हो, मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ दी, मैंने वो वहां क्यों उस पर मैंने चिल्लाया गुस्सा किया, ये मैंने उससे ऐसा मैंने क्यों व्यवहार किया, एक गलती के कारण। हो सकता है आप नुकसान भरी परिस्थितियों में हो, आप सोचते हो मेरी गड़बड़ी, मेरी एक गलती, परमेश्वर को मैंने नाराज कर दिया है, परमेश्वर मुझे भूल गया है। परंतु खुशखबरी है हमारा यीशु मसीह कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता, उसने मूसा को वहां त्यागा नहीं। एक दिन जब होरेब पर्वत पर भेड़ बकरियों को चरा रहा था, झाड़ियां की जमी झाड़ियां, अचानक से उसको एक आग की ज्वाला जलती झाड़ी में दिखाई दी, और वो झाड़ी जल रही थी परंतु भस्म नहीं हो रही। किसी में भी हम आग लगाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा, आग बन जाएगा, परंतु वो झाड़ी जो थी जल रही थी परंतु भस्म नहीं हो रही थी, आग नहीं बन रहा था। वो आश्चर्यचकित हो गया, उसने देखना चाहा बाहर जाके, उसको परमेश्वर ने पुकारा, मूसा मूसा अपनी ज्योति उतार, जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र है। सोचिए मेरे प्रियो, उस निराशा भरी परिस्थितियों में परमेश्वर ने उसे सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, भेड़ बकरियों को चराने के काम में इतने साल मैंने राजमहल को छोड़ दिया, एक गलती है मेरी जिंदगी मेरा भविष्य बर्बाद हो गया। आपके लिए खुशखबरी, आपकी एक गड़बड़ी एक गलती से हिम्मत ना हारे, परमेश्वर से जो क्षमा की कहानी है, भजन संहिता 86:5 में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर क्षमा की कहानी, हालेलुया, वो प्यार से भरा हुआ है। भजन संहिता 86:15 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 103:8 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 111:4 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 145:8 में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर पूरा प्यार से तरस से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, वो अनुग्रहकारी है। उसने मूसा को याद किया, उस बयाबान में होरेब पर्वत में जलती हुई झाड़ी में उसे दर्शन दिया मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उससे बात की, और आगे में हम देखते हैं उसका उपयोग किया, मिस्र की गुलामी में से लोगों को, लाखों लोगों को निकालने के लिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। परंतु
मेरे प्रियो कई सबूत दिए हुए हैं। आप अगर पढ़ेंगे, बाइबल सबूतों की किताब है, ये कोई कहानी नहीं है। हालेलुया, मेरे प्रियो, बाइबल में जैसा लिखा हुआ कि जलती हुई झाड़ी में पूरे पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मैं 2018 में यीशु ने मुझे मौका दिया वहां जाने का, पूरे पर्वत में जहां मूसा को परमेश्वर ने वो जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 3 अध्याय पहले से लेके 8 वचन तक दिया हुआ है, घर में जाके पढ़ लीजिएगा कि जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को दर्शन दे रहा है। और मेरे प्रियो, वहां पर आज एक सुंदर चर्च बना हुआ है और वो पहाड़ी इलाका है, पूरे पर्वत, और वहां पर आप देखेंगे जो भी पत्थर है, चट्टान है, उसमें निशानी सबूत किसका, वो जलती हुई झाड़ी का। मैं चाहता हूं रवि भाई आ जाए और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे सबूतों के साथ परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास वो बिल्कुल स्पष्ट है, निशानी देता है। देखिए, वहां के पत्थरों में से मैंने लाया, दिखाई झाड़ी दिख रही है, बोलो ना, हुई झाड़ी, ये देखिए झाड़ी स्पष्ट, कोई भी पत्थर आप उठाएंगे वहां पर जलती हुई आपको झाड़ी दिखेगी, जलती हुई झाड़ी दिखेगी आपको। कोई भी पत्थर, ये ऐसा नहीं कि पानी में डाल लो या केमिकल कर लो, जलती हुई झाड़ी, कोई भी पत्थर वहां उठाएंगे देंगे। सबूत है, निशानी है कि बाइबल सत्य है, बाइबल में जो कहता है वो सबूतों के साथ साथ, वो कोई कहानी नहीं है। हम तो हमारे पास सत्य ही प्रवेश करेगा, उसकी आराधना करेंगे, कोई भी मकान है, कोई भी वहां चट्टान में से जल्दी पानी, इस बात का सबूत है, एस्तर, एस्तर की किताब, ठीक है, एस्तर की किताब में 2 बार हिंदुस्तान का नाम है। ये कोई विदेशी किताब नहीं है मेरे, ये बाइबल जो है सच्ची किताब है और कोई विदेशी नहीं है, निशानी और सबूतों के साथ बताया गया है। हालेलुया मेरे प्रियो, और काफी दिनों से मैंने प्रश्न नहीं पूछा, क्विज नहीं पूछा, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ताकि आप बाइबल का अध्ययन करें। हो सकता है चर्च में आके उतना समय नहीं देता हो, परंतु घर में जाके आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह को क्या कहा जाता है? यहूदे, यहूदा का गोत्र का शेर, है ना, लॉयन ऑफ ट्राइब ऑफ जूडा। तो ये यहूदा का सी क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? याकूब के 12 बच्चे थे, है ना, 12 गोत्र थे, तो केवल ये यहूदा को क्यों चुना गया, कोई बता सकता है? यीशु मसीह यहूदा गोत्र से क्यों आए? बड़ी रोचक जानकारी है, उत्पत्ति में दिया हुआ है, आप जाके पढ़िएगा और बताइएगा कि क्यों यहूदा गोत्र से यीशु मसीह आए। मैं आपको उसका हिंट दे रहा हूं, जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया तो यहूदा ने कुछ काम किया, उसके कारण उसे ये आशीष मिली उसकी पीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। और ये ठीक है, पहला प्रश्न, क्यों यहूदा गोत्र में से यीशु
गड्ढे से निकाल के वो जो आ रहे थे उनको बेचने बोल दिए। आप अच्छे से अध्ययन करके बताइए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, जो क्रिस्ट विरोधी आने वाला है, एंटी क्राइस्ट, ठीक है, एंटी क्राइस्ट कौन से 12 जो गोत्र हैं, है ना, यहूदा है, शिमोन है, लेवी है, 12 गोत्र है, उसमें से एक गोत्र में से क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट आने वाला है, आप खोज के बताइएगा कौन सा वो गोत्र है। हालेलुया, बिन्यामीन। मेरे प्रियो, आगे हम और देखेंगे बालक सैमुएल के जीवन के बारे में। बालक सैमुएल क्या कर रहा था, बड़े दर्द के साथ पैदा हुआ, 5 दिन उसकी माँ हन्ना रो रो के आंसुओं के साथ बालक अपने बेटे को प्राप्त की और उसने जो वाचा बांधी थी उसने पूरा किया, मंदिर में जाके अपने बेटे को दे दिया सेवा करने के लिए। और जब वो सेवा कर रहा था, छोटा बच्चा सामूहिक एक दिन लेटा हुआ था, अचानक से उसने परमेश्वर की आवाज सुना, समूह अचंभित हो लेटा हुआ है, ऐसा सबूत है, निशानी है कि यीशु मसीह परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित कर सकता है, अचंभित कर देता है। सामूएल को आभास आई, लेटा हुआ है, हो सकता है आज आप बैठे हुए हैं यहां वचनों को सुन रहे हैं, मेरे वचन नहीं है, यीशु के वचन है, उस वचनों में सामर्थ है। भाई राकेश बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए भाई। पाल संडे के दिन, खजूर के रविवार के दिन मैंने यहां प्रचार किया, और मैंने प्रचार किया उसके बाद मैं जा रहा था, अचानक से ब्रदर आए, बोले ब्रदर मेरे साथ एक चमत्कार हो गया, मुझे चमकाई मिल गई। हम लोग क्या हुआ, बोले रात भर मेरी पीठ का दर्द था, सो नहीं पाया, रात भर दर्द के मारे परेशान, परंतु यीशु के वचनों को सुनते सुनते दर्द चला गया। हालेलुया, आज आप भविष्य के लिए चिंतित होंगे, बड़े निराश दुखी होंगे बैठे इधर, आज आप जो सुन रहे हैं ये वचनों को, अद्भुत काम करेगा, और नए द्वार खोलेगा, नई नौकरियां मिलेगी, नया आपको और काम मिलेगा, नया आइडिया आएगा, नया व्यापार का आपका घर हो जाएगा, कुछ नया, कुछ नया, नया दरवाजा, नया द्वार आपके जीवन में यीशु खोलेगा, आप उससे सप्रांत हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहले ये कैसा हो गया, एक फोन कॉल, आ जाओ आपकी ज्वाइनिंग है, ईमेल रजिस्टर्ड पोस्ट आ जाएगा, अरे आ जाओ, हालेलुया, दरवाजे खुलेंगे आपके मकान बनाने के लिए, पैसे आ जाएंगे, हालेलुया, नौकरियों के लिए और एडमिशन के लिए प्रतियोगिता के परीक्षा के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। उसका वचन कहता है भजन संहिता 136:23 में पढ़ लीजिए, 136 भजन संहिता उसका 23वां वचन, वहां लिखा हुआ है, उससे हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, हमारी सुधि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। क्या आज आप दुर्दशा में है, खुशखबरी है, वो सुधि ले रहा, वो आपको याद कर रहा, वो आपको याद कर रहा। ब्रदर आकाश इज रिमेंबरिंग, हालेलुया, द गुड वर्क्स यू हैव डन इज द अनवेरिंग रिवॉर्ड ऑफ एवरी गुड डीड, हालेलुया, आप पाएंगे, आप पाएंगे, हालेलुया, वो आपकी दुर्दशा में है, आपकी कमजोरी है, जब आप निराश हिम्मत आ जाए, असफलता से परेशान होते हैं, थका हो जाए, हिम्मत आ जाए, आपकी वो सुधी लेगा, वो आपको याद रखेगा और आपको अचंभित कर देगा, आपसे चकित कर देगा, ओ अच्छी नौकरी का द्वार खुल जाएगा आपके लिए, जीवन साथी का और द्वार खुल जाएगा, आपके खुद के घर के लिए द्वार खुल जाएगा, हालेलुया, ओ हालेलुया।
कर दिया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, बाइबल में कई बार हम अपने जवान लोग जीवन साथी के लिए चिंतित रहते हैं, क्या मेरे जैसा विश्वासी जीवन साथी मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे इतने साल हो गए, इतना प्रयास हो गया, सब असफल। मैं बाइबल में ही अद्भुत बात को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। बाइबल में दिया हुआ अब्राहम के बारे में, अब्राहम परमेश्वर से प्यार करने वाला था और उसको बुढ़ापे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा पूरी करके इसहाक बालक दिया। और जब वो बड़ा हो गया, शादी की उम्र हुई, करीब 40 साल का, तो उसके पिता अब्राहम ने अपने दास को बुलाया, उसका नाम एलीआजर था, बोला मेरे कुटुंबी के पास जा, मेरे परिवार वाले, मेरे विश्वास वाले, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ अविश्वासी का विश्वासी के साथ गठबंधन जोड़ नहीं हो सकता, नो कम्युनियन, वो क्या। और एलीआजर ने यही चिन्ह मांगा था कि मैं जाऊं, ऊंटों में जा रहा हूं, अच्छा पूरा सामान लेके अब्राहम ने भिजवाया है कि मेरी जो भी बहू बनेगी उसके लिए मैं ये सब इनाम दूं। और उसका दास एलीआजर यही चिन्ह मांगा कि जहां मैं जा रहा हूं, उस जगह में जब मैं ऊंटों को अपने पानी पिलाने के लिए रुकूं, तो मुझे, मैं ऊंटों को दूसरों को नहीं बोल सकता भाई ऊंटों को पानी पिला करके, क्योंकि बाइबल बताती है 10 ऊंट थे मेरे को। अगर हम खोल लेंगे बाइबल की किताब और उसमें दिया हुआ है उत्पत्ति 24, हाँ उसका 10वां वचन दिया हुआ है, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाटकर और उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया के नाहोर के नगर के पास पहुंचाया। कितने ऊँट है, कितने ऊँट है, 10, ठीक है। और ये चिन्ह मांग रहा है एलीआजर, परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा है कि मैं जहां जाऊं मैं कुछ पानी मांगूंगा पीने के लिए। तो एक आदमी को कोई भी जो कुएं से खींच रहा है पानी वो दे देगा, चलो भाई मुसाफिर है उसको पानी पीने के लिए दे दूं। और उसने ये कठिन चीज मांगी, ये बात मांगी कि मेरे ऊँटों को भी जो मेरे को पानी मैं जिससे मांगू और मेरे को पिलाया, बोले कि बिना उसको बोले कि मेरे ऊँटों को पानी पिला, खुद पानी बोले कि मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। 10 ऊँट थे मेरे पियो। और वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ऊँट कितना लीटर पानी पीता, एक ऊँट 200 लीटर पानी पीता, एक ऊँट 200 लीटर पानी पीता है, तो 10 ऊंट से कितने पिएंगे, 2000 लीटर। सोचिए 2000 लीटर पानी कुएं में से भीड़ लगी होगी, वहां उस समय ऐसे आपको फैसिलिटी नहीं था कि सबके घर में नल है सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से, कुएं में से निकाल रहे थे और वहां पर राइट प्लेस राइट टाइम। मूसा के जीवन में राइट प्लेस राइट टाइम, आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा, सही समय में सही जगह में आप होंगे, हालेलुया। वैसे ही मूसा जब तो वो नील नदी में डाल दिया गया, राजकुमारी को परमेश्वर ने भेज दिया, सही समय सही जगह, हालेलुया। इसी समय एलीआजर के उसने जब पानी मांगा कुएं में से, जब पानी निकाल रहे थे कुछ बहने लोग, तो एक बहन ने बोला ठीक है मैं पानी पिलाऊंगी, खुद से बोली मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। जो चिन्ह मांगा था परमेश्वर ने उसे पूरा किया। क्या आज आप कुछ चिन्ह मांग रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी आशीष, मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार कर, क्या तेरी मर्जी है, मैं जानना चाहता हूँ, चाहती हूँ, परमेश्वर काम करेगा। और मेरे प्रियो क्या हुआ, देखिए उसका आगे हम देखते हैं कि उसने बिना बोले पानी पिलाया, करीब 2000 लीटर कुएं में से पानी निकाला। मेहनती थी रेबिका, वो लड़की थी जो
पानी पिलाने को तैयार हुई इलियासर को और उसके साथ साथ 10 ऊंटों को करीब 2000 लीटर। कितनी ताकत लग रही होगी, कितनी मेहनत लग रही होगी, कुएं में से कितने लोग पानी कभी निकाल रहे हैं, कुआं तो देखा है ना, ताकत लगती है मेरे भाई, कितनी ताकत लगी होगी, कितनी मेहनत, पसीना पसीना हो गई होगी। वहां का मौसम बड़ा डेजर्ट का है, रेगिस्तान का मौसम है और एक पर्वत, परंतु मेहनत उसने छोड़ा नहीं। मेरे प्रियो बाइबल में दिया हुआ है जो मेहनती व्यक्ति है वो आशीष पाता। मैंने कई बार ऐसे संदेश दिया हुआ है, नीति वचन 12:24 में लिखा हुआ है, नीति वचन 12:24 में, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। कामकाजी इंग्लिश में लिया हुआ है इंटेलिजेंट हार्ड वर्कर रूल्स शासन करते हैं, और आलसी क्या हो जाते हैं, बेकारी में उनको दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। कामकाजी मेहनत, बाइबल हमें उत्साहित करती है, सहोपदेशक 9 उसके 10वें वचन में, जो भी काम तुझे मिले उसे पूरी शक्ति से, पूरे मन से करना, अपनी पूरी ताकत से करना। मेरे प्रियो रबेका ऐसे ही कर रही थी, उसने ऊंटों को 10 ऊंटों को भी पानी पिलाया इलियासर के साथ, और वो इसहाक की पत्नी बन गई। हालेलुया, बड़े धनवान अब्राहम की बहू बन गई। हालेलुया, सोचिए एक लड़की कुएं में से अपने भेड़ बकरियों को पानी पिला रही है और अचानक से एक अजनबी आ जाए, मुसाफिर आ जाए और पानी मांगने लगे। बाइबल बताती है हमें भले काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, भले भले काम करने में सरगम होना है। तीतुस की किताब 3:8, याकूब की किताब 4:17, उत्पत्ति 4:7 भलाई करते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न हो जाता। इब्रानियों 13:16 में भी दिया हुआ है, उदारता करना और भलाई करना मत भूलो। क्या आज आप भलाई करते हैं मेरे प्रियो, अजनबी अनजान लोगों के लिए? मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी मम्मी सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल में प्राचार्य प्रिंसिपल थी, और वहाँ के जो पहले जो प्रिंसिपल थे और जो भी वो था, वहाँ जो भी पेड़ लगाए जाते सब सूख जाते, तो मम्मी को आश्चर्यचकित लगा जब वो वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई नई नई ज्वाइन की। लोगों ने बोला मैडम यहाँ क्या मट्टी ठीक नहीं है, सब सूख जाते। मम्मी थोड़ा सरप्राइज नहीं बोली थी, खोदो तो जो सूख गया दिखाओ कैसा लगाया गया था। तो पता चला कामचोर टीचर ने पूरे गमले के साथ गड्ढा खोद के गमले को भी उसमें डाल दिया, क्या हो गया पे सूख गया। मम्मी को थोड़ा बुद्धिमान जो है थोड़ा गुस्सा भी हो जाता, भाई ऐसा मूर्खता का काम, अरे टीचर को डांटा। वो बोले नहीं मैडम हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं मैं गड्ढा खोदती। गड्ढा खोदने लगी और सुबह से वो पहुंच गई थी, उसमें से बच्चे लोग आ रहे थे, उनके माता पिता उनको छोड़ रहे हैं गाड़ी में बच्चियों को अपने। एक जनने अजनबी ने देखा, अरे ये कौन सी मैडम अभी नई नई आई गड्ढा खोद रही है। एक महिला अच्छी साड़ी पहने हुए अच्छा वो खुद गड्ढा क्यों खोद रही है। उसने गार्ड को बोला ये कौन है भाई, महिला कौन है ये। बोली यहाँ की प्रचारी है, प्रचार लोग तो कमरे में बैठे रहते हैं, इसी कमरे में बाहर नहीं निकलते, काम नहीं करते ज्यादा, ये गड्ढा खोद रही है। और उसने अजनबी इंसान, वो एक बड़ा ठेकेदार जो ढिलाई रायपुर की बड़े बड़ी सड़कों को बनाता करोड़ों रुपए का मालिक है वो, उसने बोला अरे मैडम से मिला, मैडम आई सैल्यूट, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप कितना सुंदर काम कर रही हैं, मेरी बच्ची पढ़ती है, मैं कल से मजदूरों को भेजता हूँ। मम्मी ने सोचा कोई होगा उनके बारे में नहीं जानती थी, कल दूसरे दिन उसने 10 मजदूरों को भेज दिया
गड्ढों पर गड्ढे हो गए और इतना सुंदर हरियाली हो गई। अभी भी आप जाके देखेंगे सेक्टर टू गर्ल्स स्कूल, अभी तो दूसरा रोल डीएवी कुछ स्कूल बन गया है। मेहनत का फल मीठा होता है। क्या आज आप मेहनत करते हैं, क्या भलाई कर रहे हैं, क्या लेना देना? अरे मेरे को तो सरकार से तनख्वाह मिलती है, मैं क्यों गड्ढा खोदूं? मर रहा है टीचर लोरी, सब मर जाते हैं, आगे मिट्टी ठीकी है, ठीक है रहने दो, मेरे को क्या मेहनत। बाइबल बताती है रीति वचन 12:24 में, मेहनत ही काम का दी लो शासन करेंगे। हालेलुया, उन पर आशीष होगी। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आप हो सकता है पढ़ रहे हैं, मेरे जवान बच्चों हो सकता है आप पढ़ रहे हैं, क्या मेहनत करते हैं? कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? आप नौकरी करते हो, छोटी नौकरी हो कोई बात नहीं, वहां पर कितने ईमानदारी से काम करते हैं? या मोबाइल में फोन करते रहते हैं, इधर उधर जब कोई देख नहीं रहा है तो अपना पर्सनल काम नहीं। मेरे प्रियो बाइबल में सावधान करती है ऐसा नहीं करना। मेरे प्रियो परमेश्वर देख रहा है, और हो सकता है आज आप इस बात से दुखी हो कि मेरे साथ बुरा किया है लोगों ने, है ना, इस दुनिया में रहते हुए उसने मेरी चुगली की है, उसने मेरी बुराई की है, उसने मेरी ओ मुझे नीचा दिखाया है, मुझे तिरस्कार किया है, तुच्छ जाना है। ऐसे जब विचार आ जाए, जब आपका दिल जीवन चक्रों से पीड़ाओं से भरा हो, एक सुंदर पथ है उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय और उसका 20वां वचन। उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 20वां वचन कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच गए। यूसुफ के लिए उसकी बुराई करने के लिए उसके खुद के भाई ने उसे बेच दिया, तिरस्कार किया। क्या आप ऐसे तिरस्कृत हालत में हैं? खुशखबरी, यूसुफ का परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, आर्थिक मानसिक शारीरिक जो आपको मिलना था वो नहीं मिला, किसी और ने छीन लिया, किसी और ने लूट लिया, परमेश्वर न्यायी है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। मेरे प्रियो बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वचन संहिता 7:11, इब्रानियों 10:30 में और यशायाह 30 में, ऐसी कई जगहों में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने यूसुफ के जीवन में देखा कि ऐसा अन्याय हो रहा है और उसको गड्ढे में से उठाया, जेल में डाल दिया गया। सोचिए एक जवान लड़का जेल में चला जाए, पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है, नौकरी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए रहता है आपका, कैरेक्टर पुलिस सर्टिफिकेट कहीं जाएंगे विदेश कहीं पर भी पुलिस क्लियरेंस, जेल में गया हुआ व्यक्ति का भविष्य बिगड़ गया, बिगड़ जाता है। वैसे ही यूसुफ का भविष्य बिगड़ गया और वो जेल खाने में झूठे इल्जाम, हो सकता है आप पर झूठे केस डाल दिए गए, झूठे इल्जाम लगा दिए। एक भाई, कुछ हफ्ते पहले मैं झारखंड गया हुआ था, एक भाई प्रार्थना के लिए निवेदन करता था, उसकी जमीन थी और झूठ करके परेश करके उससे जमीन उसकी ले ली गई, हड़प ली गई, उसने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में पेशी पे पेशी होते जा रही है, परेशान हो गया, कितनी बार जाऊंगा, प्रार्थना के लिए निवेदन किया, ऋषि सच्चा न्याय परमेश्वर है। मैंने बताया भजन संहिता 112:5, भजन संहिता 1:5 बाइबल प्रतिज्ञा करती है, तू धर्मी जन अपने मुकदमे को अदालत में जीत जाए। हालेलुया, मेरे प्रियो वो जीत गया, उसको जमीन मिल गई। आखिरी में ऐसा हो गया, परमेश्वर ने ऐसा चंपित किया कि वो जो न्यायाधीश है जज, वो उसकी ओर भाई की ओर देखते हुए मुस्कुराया,
न्यायाधीश जज जो है मुस्कुराया, कितनी अनोखी बात। अब दूसरे पक्ष को बोला, अरे इसको क्यों तंग कर रहे हो, तुम पेशी में आते नहीं हो, तुम्हारा सब मैंने केस स्टडी किया, गलत है, जमीन इसकी है। और वो जीत गया। इस खुशी में उसने मुझे झारखंड में बुलाया था। मैं बताना चाहता हूँ, ये यूसुफ का परमेश्वर देख रहा है आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है। उसने देखा जेल में बेचारा, तो पोतीपर की पत्नी ने झूठे इल्जाम से उसे बंद कर दिया है। दुख लग रहा होगा यूसुफ को, परंतु बाइबल बताती है रोमियो 8:28 में हमारा परमेश्वर जिसको हम जिसको प्यार करते हैं, जितने लोग उसको प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, समय हो रहा है, वहां दिया हुआ जेल में बंद है, कोई भविष्य नहीं, कैदी है यूसुफ, परंतु परमेश्वर उसे भूला नहीं। दो और कैदियों को वहां भेजा, फिरौन राजा का पिलाने वाला और पकाने वाले को, और एक दिन दिया हुआ है कि वो बड़े उठे तो बड़े चिंतित दिख रहे थे। यूसुफ अपने पड़ोसियों से प्यार करता था, उनकी चिंता करता था, उनका चेहरा देखा उतरा हुआ है। उनसे पूछा क्या हो गया भाई, तो बोले हमने रात को ऐसा सा सपना देखा है। और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके सपने का अर्थ बता दिया। एक पिलाने वाले को बोला तू वापस राजा के पास चला जाएगा, और उसको ये भी बोला यूसुफ ने, समय नहीं है नहीं तो हम पढ़ते, मैं बताऊंगा, उसको बोला जब तू राजा के पास फिर से नियुक्त हो जाए, राजा फिर से तेरे को जेल में से बुला ले अपना पानी पिलाने, दाखरस पिलाने के लिए, मुझे याद रखना और उनको बताना कि मैं मेरा कोई बेकसूर हूं, मैं जेल में मुझे बंद कर दिया गया है, मैं इजरायली हूं। मेरे प्रियो, वैसे ही हुआ, वो पिलाने वाले को फिर से राजा के पास माफी मिल गई, पिलाने वाले और पकाने वाले को मार डाला गया जैसा यूसुफ ने बताया था। और दिया हुआ है उत्पत्ति 41 अध्याय में और उसका पहला वचन दिया हुआ है, पूरे 2 वर्ष के बीतने के बाद। मतलब यूसुफ सोचता होगा, अरे ये मेरा साथी जो था राजा का पिलाने वाला, वो तो मैं जैसे बताया था सपने का, तो वो तो चला गया वापस, मुझे याद करेगा जैसे मैंने उससे निवेदन किया। हो सकता है लोग आपको भूल जाए, आपके अच्छे कामों को भूल जाए। कई बार दुख होता है कि मैंने उसके लिए कितना किया, कितना की मैंने, परंतु आज वो भूल गया है, आज भूल गई है। ना, निराश ना हो, हमारा परमेश्वर हमारी सोच समझ प्रार्थना से भी पढ़कर करने की सहमत रखता है। इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ है, उसने ऐसा ही किया जो राजा था उसको सपना आया। किसने सपना लिया? ड्रीम गिवर गॉड ऑलमाइटी, जो स्वप्न को देने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया, वो बेचैन हो गया। और उसके बाद उसने भुजवाया कि कौन मेरे ये सपने का अर्थ बता सकता है। पिलाने वाला 2 साल से भूल गया था यूसुफ के बारे में, परंतु परमेश्वर नहीं भूलता। अगर वो सोचता अरे लोगों ने तो मुझे भूल गए, नहीं मेरे प्रियो, इंतजार करें, परमेश्वर सुधीर रहेगा, सुधीर रखता आपके लिए कोई नई योजना को प्रकट करने के लिए इंतजार करें। और क्या हुआ, राजा परेशान होकर बोला बुलाओ, कौन सपने का अर्थ बताएगा, यहाँ के ज्योतिषी और जो भी जादू टोना करने वाले कोई नहीं बता पा रहा है। पिलाने वाले को याद आया, अरे मेरे साथ एक इब्री था, और उसने यूसुफ के बारे में बोला बताया। अब सोचिए यूसुफ ने उसके बाद राजा को उसका सपना बता दिया। हालेलुया, यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आ जाइए, खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। एक प्रोफेटिक वर्ड आपने ग्रहण किया, गॉड विल सरप्राइज, परमेश्वर आपको अचंभित करेगा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। ओ परमेश्वर, ओ हालेलुया, यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रार्थना करें, आपकी जो भी समस्या है, ओ बीमारी है, बेरोजगारी है,
खड़े, आपको सताने वाले जो आपके साथ अन्याय हुआ है उनको याद करे और उन्हें आशीष दे और कहे, परमेश्वर आप मेरी लड़ाई लड़े, आप मेरी लड़ाई लड़े। तो नई नौकरी आ रही है, नई नौकरी आ रही है, नए द्वार खुल रहे हैं। हालेलुया, आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए नए द्वार खुल रहे हैं, नए व्यापार के द्वार, हालेलुया, नए घर, आपका खुद का घर, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस यस, आपका जीवन साथी आ रहा है, आपके कोर्ट केस जो है अदालती वो परेशानियां वो सुलझ जाएंगे, आप जीत जाएंगे, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, कुछ देर धन्यवाद करे, धन्यवाद करे और कहे, आई रिसीव दिस प्रोफेटिक वर्ड, मैं ग्रहण करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए सरप्राइज करेगा, मुझे अचंभित करेगा, आश्चर्यचकित करेगा, नए द्वार खुल जाएंगे, चंगाई के, सेवकाई के, हालेलुया, आमदनी की बढ़ोतरी के, आप ऊंचे उठाए जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, हालेलुया। ओ हालेलुया, प्यारे यीशु मैं प्रार्थना करता, हरे भाई हरे बहन पर अपने समर्पित हाथों को रख पिता, इसी समय रख पिता, और मैं आशीष आशीष से उन्हें आप अचंभित करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू सरप्राइज देम, आई गिव यू ग्लोरी, आई गिव यू ग्लोरी, आई गिव यू ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अद्भुत यीशु, समर्थ यीशु, जीवित यीशु, यीशु के सामर्थी अद्भुत चमत्कारी चंगाई भरे नाम में मांगते हैं, आमीन।